अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने फिज़िक्स की डेफिनेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स होती क्या है। व्हाट इज़ द फिज़िक्स? फिज़िक्स दरअसल साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादे और तवानाई का मुताला करते हैं। ठीक है, फिज़िक्स इज़ द साइंस इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन थी, आपकी बुक्स में लिखी है, आप याद कीजिएगा। अच्छा बेटा, ये फिज़िक्स जो है दरअसल एक लैटिन वर्ड है, फिजिकॉस, लिखा हुआ मेरे सामने आके फिजिकॉस, उससे ड्राइव किया गया है, जिसके माने होते हैं नेचर। जिसके माने क्या होते हैं? नेचर, NATURE, नेचर। तो इसका मतलब ये होगा फिज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें हम नेचर का मुताला करते हैं। नेचर से मुराद यहाँ पर हम कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं? मैटर यानी मादा, और दूसरी चीज़ है इसके अंदर एनर्जी। ठीक है, अब ये मैटर और एनर्जी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वो अलग चीज़ें आ गई हैं। अभी तो सिर्फ ओनली फिज़िक्स की डेफिनेशन मैंने आपके सामने पेश करी है। ठीक है, आप ये किताब में याद कर लीजिएगा, सिर्फ ओनली डेफिनेशन बयान कर रहा हूँ। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।